सो आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, सत श्री अकाल। सो आज क्या है कि एक बहुत मज़ेदार दिन है। मज़ेदार दिन क्यों है, आपने टाइटल में देख लिया होगा, गाड़ी ली है और प्रिया को या घर पे किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल एकदम फ्रेश सरप्राइज है सबके लिए। किसी को नहीं बताया कि गाड़ी ली है, कौन सी ली है आपको भी नहीं पता। तो फटाफट से जाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और गाड़ी लेते हैं यार, गाड़ी उठाते हैं। सो ये गाड़ी लेने का कोई रीज़न है, क्योंकि मेरे को शुरू से ही ये ही गाड़ी पसंद है। मीन्स आगे आगे देखो वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन सी गाड़ी ली है और गाड़ी ज़बरदस्त है। सो आज है थर्ड ऑफ फेब। तो फिफ्थ को मेरी एनिवर्सरी है, मैं फिफ्थ को लेना चाहता था बट कुछ प्लान चेंज हुआ जिस वजह से मुझे ये थर्ड को ही लेनी पड़ी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेट आई जल्दी आई आ गई। लेट्स गो, फटाफट से आप पूरी वीडियो को देखो और बताना कि कैसी लग रही है गाड़ी। सो गाइस, फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है। मैं आपको शॉप पे नहीं दिखाना चाहता था जहाँ से मैंने ली है, कोई नोन था मेरा तो मैं वहाँ नहीं दिखाना चाहता था, बट गाड़ी अपने पास आ चुकी है। ये देख लो, गेस करो कि कौन सी गाड़ी है और अभी मैं उतर के आपको अच्छे से दिखाऊंगा, डिटेल दिखाऊंगा कि कौन सी है, क्योंकि मिलती जुलती है। अगर आपको पता है कि मेरी पुरानी गाड़ी कौन सी थी मेरे पास, तो वो सेल करके मैंने ये ले ली है। तो गाड़ी बहुत मज़ेदार है, मक्खन चल रही है। तो एक बार रुक के आपको मैं दिखाता हूँ डिटेल पूरा रिव्यू कि क्या क्या है इसके अंदर, और गाड़ी जबरदस्त लग रही है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, एक बार चलते हैं कहीं पे स्टॉप लेके अच्छी सी जगह पे जहाँ खाली हो, वहाँ पे रोक के आपको डिटेल एक बार दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या है गाड़ी के अंदर, मज़ेदार है। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं और एक बार देख लो यार, नज़र मार लो गाड़ी क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो फटाफट एक काम करता हूँ, मैं स्लोमो में आपको अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाता हूँ, तब तक आप एंजॉय करो, उसके बाद गाड़ी के फीचर्स के ऊपर जाते हैं। यस गाइस, फाइनली जो अपनी गाड़ी आई है वो आई है होंडा सिटी। एक बार अच्छे से निखार लो, बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। क्योंकि पहले मैंने होंडा सिटी क्यों ली है, इसका एक रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि जो पहले मैं गाड़ी यूज़ कर रहा था वो भी सेम होंडा सिटी ही थी, जिस वजह से मुझे होंडा सिटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास दो चॉइसेस थी, या मैं सोच रहा था कि न्यू अमेज निकलवाऊँ या पुरानी मैं होंडा सिटी ले लूँ। तो बड़ा सोचने के बाद मुझे ये लगा कि मैं पुरानी होंडा सिटी ले लेता हूँ। तो ये जो होंडा सिटी है मेरी है 2018 मॉडल, बड़ी मज़ेदार है, मक्खन चलती है और बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। दूर से नज़र मार लो एक बार, और यार कमेंट करके बता दो कि कैसी लग रही है। बढ़िया तो लग ही रही होगी, क्योंकि मुझे पसंद आई है तो आपको भी पसंद आनी चाहिए। फटाफट से कमेंट करो, और मेरे काफ़ी कुछ
बढ़िया फोटो खींची है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो। सो इसके ऊपर कुछ काम करवाने वाला है, तो फटाफट से एक काम करते हैं कि अपने फ्रेंड की शॉप पे लेके चलते हैं इसको और वहाँ पे उससे पूछते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साइड पे जिस तरह से ऊपर मेरे यहाँ पे इस जगह पे डोर्स के ऊपर क्रोम की प्लेट लगी है, इसी तरह की मैं बॉटम पे भी क्रोम की प्लेट लगवाना चाहता हूँ और पीछे बैक डिक्की के ऊपर भी क्रोम की प्लेट लगाना चाहता हूँ। एक और रीज़न, ये बहुत अच्छा है और मैंने आपको फ़ीचर्स की बात करी थी, तो फटाफट से एक बार अंदर बैठ के आपको मैं फ़ीचर्स दिखा देता हूँ कि मैंने स्पेशली VMT मॉडल ही क्यों लिया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, सो गाइस VMT मॉडल लेने का रीज़न है सबसे बड़ा ये क्रूज़। मुझे क्रूज़ कंट्रोल चाहिए था, जिस वजह से मैंने ये परचेज कराया है। और इसकी अगर आप किसी भी गाड़ी के बारे में देखो ना, तो जितनी अच्छी लुक्स और इंटीरियर हर चीज़ होंडा सिटी का है, मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी का है। इसमें बैक में भी दो AC दिया हुआ है, ऑटोमेटिक है, साइड मिरर सब कुछ है, फुल फ्लेज गाड़ी है, सिर्फ स्टार्ट बटन नहीं है, तो कीलेस नहीं है, तो उसका मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। बहुत को पाने के ख्वाब हम सजा। इंटीरियर देखो तो बहुत अच्छा है, अंदर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये वाला मीटर है, इसको डिजिटल मीटर, साथ में ये है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्रूज कंट्रोल भी आ जाएगा। AC पॉइंटर्स पूरे टच है, फेदर टच है, ये सिस्टम अभी ये वाला है, बट कुछ टाइम में डेफिनेटली ये चेंज होके टच लग जाएगा, टच पैनल लग जाएगा। और तो और इस इन डोर्स में देखो, डोर्स में दो ट्विटर्स हैं और 4 टोटल स्पीकर हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक कुछ 150-200 किलोमीटर चलाई है, तो मुझे मज़ा आया। मैं चाहता था कि एक बार मैं चलाऊँ, उसके बाद ही मैं आपको इस बारे में बताऊँ। और तो और इस यहाँ की स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट से एक काम करते हैं, अपने फ्रेंड की शॉप पे लेके चलते हैं और वहाँ जाके इस पे देखते हैं कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मिलती हैं या नहीं मिलती। होप सो मिल जाएंगी, लेट्स गो। को नहीं पता, मैं क्रूज कंट्रोल के बारे में बता दूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो अगर आप 60 की स्पीड पे जा रहे हो और आप क्रूज कंट्रोल को सेट कर दो, तो आपकी जो स्पीड है वो उसी पे सेट हो जाएगी, आप रेस को छोड़ सकते हो, तो आप लॉन्ग रूट पे इसका बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हो। तो फटाफट से अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मिलता है जो मुझे चाहिए। और मेरे को भी सीट कवर्स भी लेने हैं, लेकिन मैं लेदर के नहीं लगवाना चाहता क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं लगवाऊंगा तो कॉटन के, ताकि जल्दी से उतार उतूर भी सकते हैं उसको। तो फटाफट से चलते हैं अब एक बार। क्रोम प्लेटिंग लगवा दी है यहाँ पे दोनों साइड पे, क्योंकि आपको भी पता है यार, क्रोम प्लेटिंग ने ही मेरा यूट्यूब चैनल को प्रॉपर किया था, जो कि मेरी वीडियो थी जो हमने क्रोम के लिए बनाई थी, वो बहुत अच्छी चली थी, जिससे हमें सब्सक्राइबर बढ़े, हमारा चैनल मोनेटाइज है, तो क्रोम के लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। तो फटाफट से ये हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे इसको भी ड्राई करना है, ड्राई करके क्या होगा ये अच्छे से चिपक जाएगा। बिडिंग अच्छे से लग चुकी है, अब सारे काम हो चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर पे, प्रिया को भी सरप्राइज देना है। बेसिकली था क्या, मैं चाहता था कि प्रिया को 5th February को दूँ, जिस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, बट कुछ प्लान में चेंजेस हो गए और मुझे गाड़ी 2 दिन पहले लेनी पड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी मिल गई है, प्रिया को सरप्राइज दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो का इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैंने कई फोटोज वहाँ पे पोस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अच्छा सा मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो यार, मोदी जी मान जाए तो जल्द से जल्द वो फार्मर्स प्रोटेस्ट खत्म हो, प्रोटेस्ट खत्म होगा तो डेफिनेटली हम अपना जो ट्रैवल है वो थोड़ा शुरू करेंगे और गाड़ी में भी ट्रैवल करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत। मेरा जो ऊपर का माइक है ना, जैसी गाड़ी हिलती है तो ऐसे 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 तो मैं दिखा नहीं सकता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय।